सोचो तुम एक अनजान कमरे में बंद हो और अचानक से एक टाइमर शुरू हो जाए। टाइम खत्म होने पर क्या होगा, ये तो कहानी के आखिर में ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की सड़कों पर, जहां रास्ते के हर पेड़ पर एक लड़की के गुम होने के पोस्टर लगे थे। एडगर नाम का एक आदमी अपने ट्रक में च्युइंगम खाता हुआ वहां से गुजर रहा था, जिसने इन पोस्टर्स पर ध्यान तक नहीं दिया। उसके हाथ पर थोड़ी चोट लगी हुई थी। कुछ देर बाद वो शहर के बाहर सुनसान जगह पर पहुंचा और उसने एक ट्रंक से बंदूक, रस्सी और कुछ फोन्स बाहर निकाले। कुछ देर बाद नेल नाम की एक लड़की एक बंद कमरे में उठी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो पूरा कमरा एकदम खाली था। कमरे में एक कीड़ा, एक घड़ी, एक स्पीकर था और एक बड़े से पैनल पर 9 लिखा हुआ था। यही नंबर उसकी शर्ट पर भी था। कांपते हुए पैरों से नेल दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वो जितना मर्जी उसे खींचे या धक्का मारे, दरवाजा वहीं का वहीं जमा हुआ था। उसने मदद के लिए आवाजें भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी पल घड़ी अपने आप चल पड़ी और तभी नेल का ध्यान एक लाल रस्सी पर गया। रस्सी के नीचे अचानक उसे अपना फोन मिल गया, लेकिन वो किसी को कॉल ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसमें सिम ही नहीं था। फिर उसने रस्सी के सहारे बाहर निकलने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर जमीन पर लगे एक धब्बे पर पड़ी जो खून का लग रहा था। उसने ऊपर देखा कि छत पर एक जगह कांच लगा हुआ था। उसने कूद कूद कर उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई। नेल ने घबरा कर इधर उधर चक्कर काटना शुरू कर दिया। वो इस कमरे में कर क्या रही थी, ये उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। अचानक एक अलार्म बजने लगा और पूरे कमरे की रोशनी हरी हो गई। नेल जमीन पर बैठ गई और उसे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन रोशनी कुछ ही पलों में बंद हो गई। फिर नेल ने अपना फोन फिर से बाहर निकाला और देखा कि सारे नंबर्स डिलीट कर दिए गए हैं। फोन में बस समुद्र की कुछ तस्वीरें थी, जिससे उसे एक गाना याद आ गया। उसमें डॉन नाम की एक लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर नेल बेहद खुश हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर डॉन उसे छोड़कर क्यों चली गई। इसके बाद नेल ने अपना जूता ऊपर कांच पर फेंका ताकि किसी का तो उस पर ध्यान जाए, लेकिन ये पैंतरा भी फेल हो गया। हताश होकर उसने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा, लेकिन वो फोन 9 नंबर के पैनल में फंस गया और एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। नेल ने देखा कि वहाँ एक छेद हो चुका था। उसने जल्दी से जोर लगाकर उस छेद को बड़ा कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन उसके पीछे तो बस दीवार ही मिली। उधर घड़ी में 15 मिनट पूरे हो गए और उससे कुछ आवाजें आने लगी। कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई और अब बाहर से कुछ दरवाजे और खिड़कियां खोलने और बंद करने की आवाजें आ रही थी। डर के मारे नेल ने अपनी आंखें बंद की और वो समंदर वाला गाना गुनगुना कर खुद को शांत किया। कुछ ही पलों में लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन जब नेल ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दरवाजे के ताले अब नहीं थे और अब वो दरवाजा खोल सकती है, लेकिन इस बार भी दरवाजे के पीछे बेचारी को दीवार ही मिली। उसी वक्त घड़ी में 45 मिनट का समय उल्टा चलने लगा। नेल ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर से वो कमरा हरी रोशनी से भर गया। अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी जो दरवाजे के पीछे की दीवार में बनी एक जाली से आ रही थी। नेल भाग कर उसके पास जाकर बात करने लगी। उस आदमी का नाम ट्रेविस है, जो उसी की तरह एक कमरे में कैद है, बस उसका नंबर 9 की जगह 6 था। वो भी नहीं जानता था कि उन्हें किसने और क्यों कैद किया है। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि असल में एडगर उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। उधर ट्रेविस ने नेल को बताया कि उसने रस्सी के जरिए कांच की खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन खिड़की का हैंडल ही टूट गया। ट्रेविस के बताने के बाद भी नेल ने रस्सी की गांठ बांधकर हैंडल में फंसाई और उसे खींचने लगी, लेकिन उसके भार से वो हैंडल टूट गया। वो सीधा नीचे गिरी और इसी चक्कर में उसका कंधा डिसलोकेट हो गया। नेल का दिमाग बुरी तरह से झन्ना गया। ट्रेविस की आवाज सुनकर वो थोड़ा होश में आई। थोड़ी देर के लिए उसके कानों में तेज आवाजें बजती रही और उसे अजीबोगरीब चीजें भी दिखाई दे रही थी। उसके सर में तेज दर्द था, लेकिन ट्रेविस ने कहा कि उसे जल्द से जल्द अपने कंधे को ठीक करना होगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। फिर नेल ने खड़े होकर जोर जोर से अपने कंधे को आगे पीछे दीवार पर मारा ताकि वो अपनी सही जगह पर सेट हो जाए। इसके बाद उसने ट्रेविस से थोड़ी बातें करके अपना मन बहलाया और फोन में वही गाना चला दिया जो ट्रेविस को भी काफी पसंद आया। अचानक उसके कानों में फिर से तेज आवाजें बजने लगी और उसे फिर से कुछ दिखाई भी दिया। उसने देखा कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और नेल ने उसी के पेन से उसके हाथ पर वार कर दिया। उधर ट्रेविस पूछने लगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो वो यहाँ कैद हैं। उसे तो ये भी शक था कि कहीं भगवान ने तो उन्हें यहाँ नहीं भेजा है। इसी बीच ट्रेविस के चिल्लाने की आवाज आई। वो किसी आदमी से कह रहा था कि उससे दूर रहे। फिर नेल के कमरे की रोशनी भी हरी हो गई और ट्रेविस की हालत के बारे में
में सोचकर नेल को फिर से दौरा पड़ने लगा। उसने वो समुद्र वाला गाना गाकर एक बार फिर से खुद को शांत किया। जब रोशनी वापस आई तो नेल ने ट्रैविस से बात की। उसने बताया कि एक आदमी उसके कमरे में उसे ठीक करने आया था और अब उसके सर में भी तेज दर्द हो रहा है। हरी रोशनी बार बार कमरे में आती जाती रही और अब नेल ने फैसला किया कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर निकालेगी। उसने कमरे की तलाशी ली तो उसे एक तार मिली जिसका उसे कोई खास फायदा नहीं लगा। फिर उसने देखा कि उसकी बाजू में कुछ लगाया गया था और उधर से ट्रैविस ने बताया कि उसकी टांग पर भी ऐसा ही कुछ है। उधर घड़ी का समय कम होता जा रहा था, इसलिए नेल ने खिड़की के टूटे हुए हैंडल से जाली के पेंच खोलने की तरकीब लगाई। उसका प्लान काम कर गया और जाली खुल गई। उसे देखकर ट्रैविस भी अपनी जाली खोलने लगा और नेल ने पैनल के पीछे मिली तार उठा ली। तार खींचकर उसके हाथ एक खुफिया कैमरा लगा जो उसने ट्रैविस को दिखाया। इसके बाद नेल ने तार ही काट डाली जिसकी वजह से अब एडगर नेल के कमरे में कुछ नहीं देख सकता था। नेल जाली के रास्ते से ट्रैविस तक पहुंचने की कोशिश करने लगी लेकिन वहां जगह बहुत कम थी। बीच में एक हरी रोशनी की लाइन थी जिसे छूते ही कमरे की रोशनी पीली हो गई और एक जोरदार अलार्म बजने लगा जिससे नेल के कानों में दर्द शुरू हो गया। वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई लेकिन रास्ते में उसके कंधे पर फिर से चोट लग गई। इसी चक्कर में उसे फिर से कुछ दिखाई देने लगा। इस बार उसने देखा कि उसके हाथ खून से सने थे। इस खतरनाक लम्हे के बाद नेल ने ट्रैविस को अपनी जाली तोड़ते रहने को कहा और खुद अपना कंधा ठीक करने में लग गई। तभी उसकी नजर अपनी बाजू पर गई जहां से खून बह रहा था। उसने हल्का सा मांस फाड़कर देखा कि उसकी बाजू में एक माइक्रोचिप फिट की गई थी। फिर नेल ने ट्रैविस की ओर देखा जो अभी तक अपनी जाली नहीं खोल पाया था। अब घड़ी में सिर्फ एक ही मिनट बचा था और अचानक से वो लाल हो गई। नेल ने ट्रैविस को जल्दी से जाली खोलने को कहा। ट्रैविस ने अपना पूरा जोर लगाकर एन मौके पर जाली खोल दी। समय खत्म होते ही लाइट्स और दरवाजे फिर से बंद हो गए। कुछ ही पलों में रोशनी आई और नेल अब तक गुस्से से भर चुकी थी। वो पागलपन की ओर बढ़ते हुए गाना गुनगुनाती हुई बीच में अजीबोगरीब चीजें बोलने लगी। अचानक दरवाजे में एक छोटी सी जगह खुल गई और बाहर से तेज लाल रोशनी आने लगी। नेल ने बड़े ध्यान से हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक बंदूक आ गई। तभी वो रोशनी हरी हो गई और पूरे कमरे में अजीब सी गैस भर गई। उसकी आवाज से रोशनी बदल गई और नेल को समझ आया कि आवाज से रोशनी बदल बदल कर उसे लाल रोशनी तक पहुंचना होगा। उसने ऊपर लगे कांच में गोली दाग दी जिससे लाइट्स का रंग लाल हो गया। उधर एडगर उसे एक नए कैमरे से अब भी देख रहा था। नेल ने रस्सी उठाई और ऊपर फंसा दी जिससे अब वो बाहर निकल सकती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर छत नहीं बल्कि एक कमरा था जिसमें एक स्क्रीन थी जो चांद सितारे दिखा रही थी। अब वहां लिखा हुआ था दी एंड। उसने ऊपर से ट्रैविस के कमरे में झांका। उसके कमरे में भी गैस भर दी गई थी लेकिन वो नेल जितना हिम्मत वाला नहीं था। अब एडगर नेल से मिलने आ रहा था। नेल भागकर दीवार के पीछे छिप गई और एडगर की नजरों से छिपकर भाग निकली। छुपती छुपाती वो उसके ऑफिस तक पहुंच गई। ये किसी कंपनी की बिल्डिंग लग रही थी। ताज्जुब की बात ये थी कि दिन का समय था लेकिन बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। नेल एक कमरे में पहुंची जहां पर ट्रैविस की एड बार बार चल रही थी। ये दरअसल रोबोट्स की एड है जो इतने असली लगते हैं कि कोई इंसान इनमें फर्क ही नहीं कर सकता। नेल ने गुस्से में आकर बंदूक से टीवी ही तोड़ दिया। फिर एक जगह उसे डॉन की बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी जो कि असल में इस रोबोटिक्स कंपनी की मालकिन है। तभी एक गाइड नेल के पास आया जो अपने क्लाइंट्स को सब समझा रहा था। वो सब नेल को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। इससे पहले कि नेल को समझ आता कि ये सब क्या हो रहा है, एडगर ने उसे ढूंढ लिया। तभी नेल को झलक दिखाई दी कि उसके चेहरे से कवर हटाने वाला आदमी एडगर ही था। इसी आदमी को नेल ने पेन से मारा था। डर के मारे नेल ने एडगर पर बंदूक तान दी लेकिन एडगर ने अपने टैबलेट पर ही एक बटन दबाकर उसे ऑफ कर दिया। अब जाकर हमें पता चलता है कि नेल असल में इस कंपनी की एक रोबोट है और उसका मॉडल नंबर है 9। बाद में जब नेल की आंख खुली तो वो उसी समुद्र किनारे बैठी थी। जल्द ही एडगर भी वहां आ गया। नेल ने उस पर वार किया था इसलिए उसे कुर्सी से बांध कर रखा गया है। ये समुद्र नेल के दिमाग के हिसाब से ही बनाया गया है और अब एडगर ने उससे कैद के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। उन्हें कैद में इसलिए रखा गया था ताकि उनके अंदर के इंसानी जज्बातों को परखा जा सके। नेल और ट्रैविस को एक दूसरे का साथ देकर बाहर निकलना था। उन्होंने एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखा। एडगर ने पूछा कि क्या कोई समय ऐसा आया जब नेल को अपनी इंसानियत पर ही शक हो गया हो। ये सुनते ही नेल को एहसास हुआ कि वो तो ये तक नहीं जानती कि वो है कौन। दरअसल नेल की ये ट्रेनिंग काफी हफ्तों से चल रही थी और कंपनी उसकी सारी खामियां हटाकर उसे मॉडल 10 बनाना चाहती है। 10
टेस्ट के आखिर में उसकी याददाश्त मिटा दी गई क्योंकि वो इस भयानक सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एडगर ने नेल को ऑफ करके फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया। नेल बिना अपनी याददाश्त के एक बार फिर से उठी और एडगर अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टियां मनाने निकल गया। क्या भविष्य में एकदम इंसानों जैसे रोबोट्स बन जाएंगे? आपका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना।